तो यहाँ पे देख सकते हो आज हमने लगा दिया पूरा स्कॉर्पियो एन का भोकाल मेला। तो एक दो तीन और चार, चार एक और आ रही है रस्ते में भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ हमने हेडलाइट इसके अंदर इंस्टॉल करी है। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्टर और हमारे DRL। हेलो गाइस, ब्लॉगर अमन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ सोनू भाई है। सोनू भाई आज क्या चमत्कार लेकर आए हो? चमत्कार तुम्हारे सामने हो रहा है, दोनों देख लो। तो आज देख लो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों स्कॉर्पियो एन का सेटअप हमारे पास है और इस दोनों के अंदर हम टॉप मॉडल की तरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर टॉप मॉडल वाला काम हो रहा है, मेनली स्टार्ट हो रहा है, हेडलाइट DRL हो रही है। हाँ। और लोअर गार्निश है, अंदर स्टीयरिंग कवर है, सीट कवर वगैरह आर्मरेस्ट है, सीट कवर नहीं है अभी, आर्मरेस्ट है, स्टीयरिंग कवर है और इसमें भी आगे फॉग लाइट और अपना हेडलाइट चेंज हो रही है दोनों में। पीछे रियर गार्ड लगा है और उसमें तीन चार काम हो रहा है जो वीडियो में दिखाता है। तो आपको चेक दिखाते हैं क्या क्या काम है। एन की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, एन बढ़िया तरीके से हमारे पास आने लगेगी धीरे धीरे। तो ये हमारे भैया हैं जिनकी ब्लैक वाली है और ये हमारे अंकल हैं जिनकी वाइट वाली है। तो एक ऑटोमेटिक है और दूसरी आपकी मैनुअल। आपकी भी ऑटोमेटिक है? दोनों ऑटोमेटिक है, Z4 है। ब्लैक एंड व्हाइट का सेटअप है। तो चलो दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है गाड़ी। आप लोग देख सकते हो एक हेडलाइट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। सोनू भाई एक हो चुकी है, दूसरी स्टार्टिंग पे प्रोसेस हो रही है। नीचे फॉग लाइट और DRL दोनों का काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों चेंज हो चुकी है। और इस वाली गाड़ी में आते हैं तो उसमें दिखाते हैं हम, इसमें लोअर गार्ड में जो ओरिजिनल पार्ट होता है जो रिप्लेसमेंट वाला वो चेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो ये निकला हुआ पुराना वाला जो हम तोड़ के फेंक देते हैं, जो किसी यूज का नहीं आता वो रह गया। स्टीयरिंग कवर देखो अलग हटके एक चीज है ना, नई चीज बनाई है थोड़ी हैवी करके, बहुत बढ़िया स्टीयरिंग कवर। तो आपको डिटेल में दिखाएंगे लास्ट में ये चीजें। तो इधर साइड सीट कवर आप लोग देख सकते हो ऑटो फोम के इसके अंदर इंस्टॉल करे हमने। तो ये देख सकते हो ऑटो फोम ब्रांडेड सीट कवर जिसके अंदर इंस्टॉल हुए। और लेट हो गया तो आने में नहीं तो पूरा चढ़ते हुए सब कुछ दिखाते हैं। भाई ट्रैफिक इतना है भाई दिल्ली में, बुरा हाल हो गया। इसमें हेडलाइट पूरी चेंज हो चुकी है, देखो। ठीक है, फॉग लाइट लग चुकी है, फॉग लाइट लग चुकी है। ये वाली गाड़ी लगभग फाइनल है हमारी। फाइनल है, इस गाड़ी का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम और रह गया। हाँ। बाकी इसकी चीज तो करिश्मा आगे आगे देखो, नई नई चीज आती रहती धीरे धीरे अपडेट के साथ, नई नई चीज। कोई कहेगा हमारे पास ये है, कोई कहेगा हमारे पास ये है। हाँ। लग के दिखाएंगे हम, लगा के दिखाते हैं, हम लगा के दिखाते हैं। एक में भी नहीं, दो दो में लगा के दिखा दो, इससे पहले भी लगा के दिखा चुके हैं। अब आते रहो लगवाते रहो, आते रहो लगवाते रहो, सारे भाइयों के लिए भर भर के स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। धीरे धीरे सारी गाड़ी का पूरा काम धीरे धीरे स्टॉक पूरा इकट्ठा होता जा रहा है। जिसको आना है एक या दो दिन का गैप लेके हम बुकिंग करके बुला रहे हैं कि भैया आते रहो, कोई हमारे पर लेट का काम नहीं है, फटाफट आओ और फटाफट काम कराओ। जो माल कहीं नहीं मिलेगा हमारे पास पक्का मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आ गए हमारे चामुंडा भाई, राउडी चामुंडा भाई। अब चामुंडा भाई बताएंगे हमें क्या क्या काम हमने इस गाड़ी के अंदर कर रहा है। तो चामुंडा भाई बोलो, फिर मैं इस वर्कशॉप में अपना दिखा रहा हूं। हां, आज मैं अंदर इसलिए नहीं दिखा पाऊं कि अंदर पूरा सामान लोड है। आज सारा महिंद्रा का सामान है भरा भरा अंदर। हां हां, वो मैं दिखाने जा रहा हूं इसके अंदर क्या किया है। तो हमारे Z4 रहने वाले हैं। ठीक है, और 4x4 है। ठीक है, 4x4 ऑटोमेटिक डीजल, डीजल में। हां, तो इसका हेडलाइट चेंज हुआ देख सकते हो। ऑन करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे, ऑन करके दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ हमने हेडलाइट इसके अंदर इंस्टॉल करी है। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्टर और हमारा DRL, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। मेन जो लुक है इस गाड़ी का इन्हीं चीजों से है, इसी चीजों से, और अभी आने वाला टाइम में ये भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो तो बहुत नॉर्मल चीजें हम करते हैं, जब अपडेट देते रहेंगे आपको रेगुलर एंड के ऊपर। नॉर्मल चीज कुछ मत पूछो, अभी पहले वीडियो में खुद ही गलत बोल दिया था कि लग्जरी के अलॉय के लिए, तो रेमेन। हाँ, एलोए के लिए लास्ट टाइम गाइस जो प्रॉब्लम आई थी आपको दोबारा बता देते हैं। ये वाले जो हमारे एलोए व्हील्स हैं 17 इंच वाले, ये हमारे ऑटोमेटिक वेरिएंट में नहीं आते, ये मैनुअल में आते हैं और ऑटोमेटिक में 18 आते हैं। ठीक है, वो तो एक कन्फ्यूजन थी। तो हाँ, तो क्लियर बोल रहे हो भाई, झूठ बोलने वाली बात नहीं। मैं खुद वही सोच रहा यार, मतलब कि यार इतनी महंगी गाड़ी उसमें एलोए नहीं देंगे ये लोग। तो साइड प्रोफाइल में दिखाता हूं। हां, अलॉय व्हील्स वाले हमने इसके अंदर 17 इंच वाले Z8L मैनुअल वाले, 4x2 में आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है अलॉयज का। और इसके अंदर हमारा साइड फुटरेस्ट, इसमें मैंने नहीं डाला, इसमें लग के आया। ठीक है, इसमें मैंने नहीं डाला अलॉय व्हील्स। हां, मैंने नहीं डाला, लग के आया। ठीक है, साइड फुटरेस्ट लग के आ रहा है। जिस भाई को इसको अगर ब्लैक करवाना हो ब्लैक करवा सकते हैं। ठीक है, ब्लैक आप करवा सकते हैं, इसके अंदर ब्लैक होता है। ठीक है, सही है, वो मैं करके दूंगा। ठीक है, दूसरी बात साइड ओआर भी हम जिस भाई को ऑटो चाहिए वो भी करके दूंगा। ठीक है, ये फोल्ड नहीं होता, फोल्ड चाहिए फोल्ड करके दूंगा मैं। यहाँ से आप देख सकते हो बटन नॉर्मल बटन है। हाँ, ये देख सकते हो बटन, जिसको फोल्ड चाहिए भाई को मैं फोल्ड करके दूंगा। इसके अंदर शायद सिक्वेंशियल मैट्रिक्स भी आ रहा है टॉप मॉडल के अंदर, वो अभी मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया मैं क्या बोल रहा। सही है, लोअर गार्निश चेक कर लो,
टॉप मॉडल आने वाला नहीं है, रिप्लेसमेंट पार्ट है, जो भी होगा रिप्लेसमेंट पार्ट होगा। वो सोनू भाई ने हमें दिखा दिया था, हटा के ये तोड़ के दिखा दे सोनू भाई ने, ये देखो जरा मरोड़ दिया पूरा, ये देख सकते हो गार्निश, ये हमारी पेस्टिंग वाली आती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ तक आप लोग ने कर दिया और यहाँ पे आप लोग ने पेस्टिंग वाली लगा दी, ये ग्लास चेंज करना पड़ेगा और लंबा बसूड़ी इतना मैं आप खुद नहीं चाहोगे, बट भाई ये जब आपका ये लग गया गार्निश, ये भी महिंद्रा जेन्युइन ही है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ऐसे लगाओ या वैसे लगाओ, बट यहाँ पे जो चेंज हो सकती है मुझे उतना हम करके आपको दिखा रहे हैं। और इसके अंदर जो सीट कवर लगाया मैं दिखाता हूँ, सीट कवर आपको दिखा दे इसके अंदर, हमने इसके अंदर सीट कवर जो है ऑटो फोम के इंस्टॉल करे, इसकी इसकी क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सीटों की, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये हमने सॉफ्ट सिल्की नाप है और ये सॉफ्ट टच हमने इसका ये कर दिया, आर्मरेस्ट बहुत हार्ड में आता है, अच्छा नहीं प्लास्टिक से लुक आता है इसका पूरा। अब धीरे धीरे GFX मैट डाला, ठीक है, इसके अंदर GFX मैट डाले हमने और एक स्टीयरिंग कवर स्टिच हुआ है। एक स्टीयरिंग कवर की ना आज मैं आपको क्वालिटी दिखाऊं तो भाई कुछ अलग ही क्वालिटी, आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ भाई कुछ काम करा है, ये देख लो जिगजैग स्टिचिंग के साथ, ठीक है, और ये पूरा पीछे तक है, ये देखो लो जहाँ तक स्टीयरिंग है वहां तक आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने स्टीयरिंग कवर इसके ऊपर स्टिच करा है, देख सकते हो बीच में लाइनिंग भी है, एक बार सिर्फ ऑटो फोम बोलूंगा यहाँ पे दिख नहीं सकता आपको उसके। ये देख लो ऑटो फोम की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ऑटो फोम का ये हाँ। और आने वाला टाइम इससे काफी अपडेट आने वाला, अपडेट आने वाला स्कॉर्पियो में, तो जिस भाई को अगर स्कॉर्पियो इनकी अपडेट चाहिए तो एक बार चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, रेगुलर अच्छी अच्छी अपडेट मिलता है, धड़ाधड़ न्यू ईयर के बाद आग लगा देंगे 2023 में आपके लिए एक से एक चीजें लेकर आने वाले हैं चामुंडा भाई, पूरी मेहनत चल रही है अभी, चामुंडा भाई ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी कि मैं गाड़ी पे रिसर्च कर रहा हूँ, 13 बजे से मैंने गोवा की ट्रिप कैंसिल, चामुंडा भाई गोवा जा रहे न्यू ईयर मनाने के लिए कैंसिल कर दिया, तो अभी काम चल रहा है गाड़ी के ऊपर आपको दिखाएंगे, और तो फिलहाल ये गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट लगा नॉर्मल वाला, ठीक है, ये देख सकते हो उसका आफ्टर मार्केट है ये स्कॉर्पियो N, ठीक है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट में दूसरी गाड़ी भी दिखाता हूं उसमें क्या हुआ, यहां पे आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी हमारी दिल्ली की है, ये हमारी मुजफ्फरनगर से है, ठीक है, अभी फिटिंग चल रही है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तब आपको, तो अभी इधर काम चल रहा है इस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर भी सेम सेम हेडलाइट फॉग लाइट प्रोफाइल दोनों में सेम दिखेगा, उसमें दिखाया सेम इसी के अंदर है, इसमें कोई ज्यादा काम हुआ नहीं है, इसमें लोअर गार्निश के मैं भी देख रहा हूँ, अगर स्टॉक मिल गया तो इसमें लोअर गार्निश भी लगाने के लिए भाई साहब की डिमांड था, बस स्टॉक चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मेन स्टॉक की कमी रहता नहीं आ रही है, हमेशा इन स्टॉक नहीं रहता, ये देख लो भाई हमारा स्टिचिंग स्टीयरिंग की और बढ़िया क्वालिटी से स्टीयरिंग और पीछे पुल गार्ड लगा है, ये देख सकते हो पुल गार्ड महिंद्रा ओरिजिनल है, ठीक है, महिंद्रा ओरिजिनल है, कोई लोकल चीज नहीं रहने वाला है, और आने वाला टाइम में काफी अपडेट आपको देखने, ठीक है, अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पर, देख लो आज पूरा स्टॉक हमारा आ गया है यहाँ पर, तो ये सारा स्टॉक ये जो भी दिखेगा आपको एन की स्टॉक दिखेगा, हाँ जितना भी सारा एन का स्टॉक है हमारा, तो ये आप काफी एन का सामान है स्कॉर्पियो का भी इसके अंदर, ठीक है ठीक है, तो दिखाते गाड़ी फाइनल होने, तो यहाँ पे देख सकते हो आज हमने लगा दिया पूरा स्कॉर्पियो एन का भोकाल मेला, तो एक दो तीन और चार, चार एक और आ रही है रस्ते में अभी, एक और मॉर्निंग में आएगा, चलो कैंसिल हो गई हो, पर आज वैसे होती तो हमारे पास 5 एन होती काम होने के लिए, तो ये सारी जितनी गाड़ी यहाँ पे Z4 है हमारी सब कन्वर्ट होने के लिए आई है, दो को मना कर दिया, तो आज आप लोग देख सकते हो ये दोनों गाड़ी हमारी जो वीडियो में शूट हो रही थी, एक अभी आई है ये इसमें भी काम हो रहा है, वो भी वो हमारे आस पड़ोस की गाड़ी है वो उसमें भी काम हो रहा है, तैयार किया है पड़ोसी का गाड़ी है, आया था काम होने के लिए, काम हो चुका है, ठीक है, तो ये सारी गाड़ी आप लोग देख सकते हो पूरा लाइनअप यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का, एक स्कॉर्पियो एन आ गई है सुन भाई, अब इसमें भी सेम वही काम कर रहे हैं, इसके अंदर हेडलाइट अपग्रेड कर रहे हैं और नीचे फोक DRL दोनों चेंज हो रही है इसमें, ठीक है, एक स्टीयरिंग कवर डल रहा है और एक दो आइटम हो रहा है, दो कस्टमर एक दो आइटम और बता रहा है वो भी डालेंगे, ठीक है, तो जैसा अभी तक मतलब अभी जितनी हमारी दो गाड़ी होकर जा चुकी है सेम वही काम हो रहा है इसके अंदर, तीसरी गाड़ी है भी इसमें भी इतने उसमें तो सीट कवर वगैरह भी काफी काम, इसमें सीट कवर वगैरह नहीं, बस आगे फॉग लाइट DRL और हेडलाइट मतलब स्टीयरिंग कवर मैट, बाकी देखता हूं कर्टन्स वगैरह जो भी है, मेन हेडलाइट और फॉग लाइट की बहुत डिमांड आ रही है इस टाइम पे, बहुत टाइप पर है अपना Z4 के अंदर डिमांड ही इसी चीज की है, क्योंकि गाड़ी जो एम है इस लुक वाइज गाड़ी बना है बिल्कुल, और इसके अंदर हेडलाइट फॉग लाइट ना देकर समझो तरीके से लुक डैमेज कर, लुक डैमेज कर दिया, कुछ नॉर्मल हल्का फुल्का देना चाहिए, तो एक बार बेस मॉडल है पर बेस में भी दे देंगे तो टॉप मॉडल लेगा, स्टॉक फुल है जितने मर्जी गाड़ी आ जाए फुल भरपूर स्टॉक है, हां लाते रहो लगवाते रहो, मैंने एक फोन कर दिया, फोन कर दिया भाई, बुकिंग का चक्कर नहीं है कॉल करके आ जाओ, बुकिंग का चक्कर नहीं है कॉल करके आ जाओ,
रेडी होगा हम बुला लेंगे। ठीक है बिल्कुल भाई, आप आ जाओ दूर से और हाँ फिर आप परेशान हो तो दिखाते हैं आपको क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर। तो भाई हमारी सारी गाड़ियां जा चुकी है, अभी हमारी लास्ट गाड़ी बची है, तीन गाड़ी जा चुकी है, ये चौथी एन है, आज चौका हमारा है, स्कॉर्पियो एन का मेला लगा हुआ था हमारे पास, तो ये हमारी चौथी गाड़ी है। अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमने लास्ट क्या क्या काम करा है। ठीक है, अभी मेन तो यही है, सबसे ज्यादा ट्रेंड पे इस टाइम ये है भाई, जेड फोर वाले भाइयों के लिए मेन मजा आएगा हमें जेड टू में। जेड फोर भी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर हमने हेडलाइट डाली है सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्टर, और उसके साथ में हमारी DRL फॉग लाइट में भी प्रोजेक्टर है, और लाइट रिस्पॉन्स, लाइट रिस्पॉन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बाकी बाहर में एक बार आपको फाइनल में दिखा दूंगा। जो की बेसिक नीड है गाड़ी में चाहिए ही चाहिए। इधर आप लोग देख सकते हो स्टीयरिंग कवर, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला हमने स्टीयरिंग कवर इसके अंदर इंस्टॉल करा है, देख लो आप लोग स्टिचिंग, ठीक है, और ये जो कट है ना हमारा, ये टॉप मॉडल वाला सबसे बढ़िया लुक ये देता है। बाकी यहाँ पे एक 70 मैट है हमारे, ये देख सकते हो सेम हमारे इंटीरियर से मैच वाला कॉफी कलर में, क्योंकि इसका इंटीरियर कॉफी कलर में, तो उसके साथ में मैट भी हमारा कॉफी कलर में, इससे इंटीरियर से मैच होता है उसका प्रॉपर 70 ये। बाकी आने वाले टाइम में इसमें आपको अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन हम लोग दिखाएंगे, तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा, और ऐसी ऐसी चीज गाड़ी के अंदर आने वाला टाइम में आपको मिलने वाला है, पूछो मत। वो मैं दिखा के बताऊंगा कि क्या क्या चीज इसके अंदर होने वाला है। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या करो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। बिल्कुल, और अगर काम की क्वालिटी चाहिए तसल्ली पूर्वक आप आओ, कॉल करके आओ वर्कशॉप में हमारे, और काम तसल्ली से करके जाओ। देख सकते हो आज दो चार गाड़ी और खड़ा था, चार NB हो गया, तसल्ली से हुआ, और ये कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से बढ़िया तरीके से अपना काम हो गया, सबसे बेस्ट ये है। बाकी सब कुछ आपको हमने दिया, जल्दी की था कि अभी मेरे को मेन चीज तो यही चाहिए था, नेक्स्ट टाइम में आगे पूरी गाड़ी कराऊँ, तो आप नंबर भी देख लिए होंगे गाड़ी का, नेक्स्ट टाइम की वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या काम हुआ। ठीक है, सो बाकी आज के लिए इतना ही था हमारा। ठीक है, भैया से बात कर रहे थे जिनकी गाड़ी है, ट्राई करते हैं अगर वो बात कर ले तो। बाकी देख सकते हो हमारे भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम सिमरनजीत है। कहाँ से आए थे आप? मैं किशनगंज। अच्छा, पास से ही हो आप, दिल्ली से? ओके, तो मतलब आपको कैसे रेफरेंस मिला है आपका? यूट्यूब पे वीडियो। अच्छा, यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा, तो काम में कोई कमी नहीं भाई? बढ़िया था, बिल्कुल सैटिस्फाइड। तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा हो गए सीट कवर वगैरह काम बहुत काम है, सीट कवर कर रहे हैं, और बाकी काम भी कह रहे हैं, टाइम नहीं था, मेन जो काम था इन्होंने करा लिया, नेक्स्ट वीक ये खिलाएंगे, नंबर गाड़ी का देख लो जो चमुंडा होता है, तो वही चीज़ इसमें भैया ने बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आएंगे, इसकी पूरी वीडियो हो रही है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गाड़ी के लिए आपको।